राहुल के बयान, भारत में संग्राम। विदेशी धरती पर राहुल गांधी के चुनाव, सिख और आरक्षण पर दिए गए बयानों से भारत में सियासत उबल गई है। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने भारत में डर और दहशत के माहौल का आरोप लगाया। कहा कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वे गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। लड़ाई इस बात के लिए है और ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। वहीं आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जब भारत फेयर प्लेस बन जाएगा तभी हम आरक्षण को खत्म करने का सोचेंगे। तो वहीं देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के भी राहुल गांधी ने टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि वे इन्हें स्वतंत्र चुनाव की तरह से नहीं देखते हैं बल्कि इन्हें बेहद ही नियंत्रित चुनाव की तरह से देखते हैं। राहुल गांधी के विदेशी धरती पर दिए गए इन बयानों को लेकर के बीजेपी, अब कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राहुल का अमेरिका में बयान, देश में घमासान। चुनाव, सिख और आरक्षण पर बयान से छिड़ा संग्राम। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India not a fair place. Now that creates a problem. राहुल के इल्हान उमर से मिलने पर बीजेपी के सवाल। राहुल गांधी जी, भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था। बीजेपी का वार, देश विरोधियों के साथ कांग्रेस। आज राहुल गांधी की जो तस्वीरें सामने आई है कि वो इलान उमर से मिल रहे हैं। कौन है इलान उमर? इलान उमर वही है जिसने भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया यूएस कांग्रेस में। कांग्रेस का जवाब, हिम्मत है तो अमेरिकी राजदूत को बुलाए सरकार। लिखें, ये चिट्ठी लिखें अमेरिका को, स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखें कि जिस महिला का ये नाम ले रहे हैं इल्हाम, उनको बाहर कर दें, उनके खिलाफ अमेरिका कानूनी कार्रवाई करे। वो राहुल का बयान, सियासी संग्राम। तो भारत में राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर जहां बयानों पर लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है तो वहीं राहुल गांधी की मुलाकातों पर भी उतने ही सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर के भी कई सवाल उठाए गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर भी है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा और वहां से बयान, आज इनके मायनों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत चेतन जी आप ही से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है, क्या आपत्तियां हैं आपकी राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर के, राहुल गांधी की इन मुलाकातों को लेकर के? राहुल गांधी अभी वर्तमान में LOP है, नेता प्रतिपक्ष है। जब भी विदेश के अंदर राहुल गांधी जी जाते हैं वो एक काम करते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं, और उन बयानों का समर्थन कौन करता है? आज ही गुरुपंत वन सिंह पन्नू ने क्या कहा है, उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा है, बहुत अच्छा बयान दिया है और समर्थन जाहिर किया है। गुरुपंत सिंह पन्नू कौन है आप पता? सिख फॉर जस्टिस की संस्था का अध्यक्ष है, और वो क्या काम करता है? देश विरोधी काम करने का काम करता है। और राहुल गांधी ऐसे बयान देने से उन लोगों को ताकत मिलती है जो देश विरोधी काम विदेशों में बैठ के भारत के खिलाफ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी बार बार बात करते हैं आरक्षण की। राहुल गांधी जी तो अब है, उनके पूर्व का इतिहास भी आप देख लीजिए, समय समय पर इन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया है। और राहुल गांधी जी ने तो आज क्लियर कर दिया कि जब समान सब हो जाएंगे तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर के कहते हैं, भारत की धरती पर नहीं कहते। हिम्मत है तो भारत की धरती पर कहे। और देश विरोधी, और इनके देश विरोधी बयानों का कितना हवाला दूं मैं आपको? पाकिस्तान जब अपना डोजियर UNO को सौंपता है तो राहुल गांधी के स्टेटमेंटों को साथ में अटैच करता है। क्यों करता है पाकिस्तान? क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो विदेशी ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को शूट करता है, उनके अनुकूल होता है। तीसरी बात, कई सिख धर्म के बारे में बात की, कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते। याद करो 1984 को जब सिख धर्म के लोग पगड़ी से डरने लग गए थे, कड़े से डरने लग गए थे। क्यों? क्योंकि 1984 में क्या हुआ था ये पूरे हिंदुस्तान को पता है। राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं बार बार देश विरोधी बात करते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आ रहा देश विरोधी बात करने से क्या मिलेगा। देश प्रथम है,
उसके बाद में राजनीतिक पार्टी है, उसके बाद में राजनीतिक सत्ता है, उसके बाद में सरकार है। देश के खिलाफ अगर बोलने का इतना ही राहुल गांधी जी को शौक है तो बार बार बोलें, और जितने ये बोलेंगे देश की जनता सब समझती है। और मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है, देश विरोधी ताकतें राहुल गांधी जी के बयान का समर्थन करती है, और जिस प्रकार से जिन लोगों से विदेश की धरती पर ये मिलते हैं वो भी अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि जो देश विरोधी ताकतों से देश का LOP जाकर वार्ता करता है, ये अपने आप में साबित करता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाते लोकसभा में, जो उनका धर्म है। ठीक है, सरकार का विरोध करे, सरकार ठीक है, राजपुरोहित जी मैं वापस आ जाऊंगा, प्रतीक सिंह जी, लेकिन जिस प्रकार से विरोध के नाम पर बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर के अपने ही देश के खिलाफ करते हैं, अपने ही देश की नाक को नीचा करने की कोशिश करते हैं, और इतना ही नहीं वो बयान तो देते ही देते हैं, इसके बाद देश विरोधी ताकतों से मुलाकात भी करते हैं। इलान उमर से मुलाकात को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, वो शख्स जिसने UN में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन रखा, उस शख्स से राहुल गांधी की मुलाकात। फोटो से मैं अपने वक्त भी शुरुआत करता हूँ, ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो है नवाज शरीफ के साथ में नरेंद्र मोदी। तो नवाज शरीफ क्या भारत के फेवर में थे, क्या नवाज शरीफ क्या भारत के दोस्त हैं? तो वहाँ पे बिना बुलाए बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी जी क्यों चले गए थे मंदिर की घंटियां वहां पर ज्यादा सुनाई दे रही हैं जी। प्रतीक जी, प्रतीक जी की आवाज कीजिए, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए, ठीक आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ जी से मिलने गए थे, तो क्या नवाज शरीफ क्या भारत के दोस्त हैं? क्या बिना बताए वहां पे बिरयानी खाने और उनके बर्थडे का केक खाने क्यों चले गए थे पाकिस्तान में? तब इनको याद नहीं आया कि देश विरोधी ताकत और हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, वहां क्यों चले गए? आप बताइए, आज इलान उमर की बात कर रहे हैं, अरे विश्व में तो डंका बज रहा है हिंदुस्तान का, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन गए हैं, तो अमेरिका को क्यों नहीं बोलते कि आपने ऐसी सांसद क्यों बना रखी है आपने? आप हटाइए ऐसी सांसद को, बुलाइए आप हाई कमीशन को, बुलाइए ना अमेरिका की, और बोलिए कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ में जो UN में प्रस्ताव लाता है उसको हटाइए। राहुल गांधी जी एक सांसदों के डेलीगेट से मिले थे, इसके अंदर बाई चांस ली इलान उमर आ गए, और उसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बातें वहां पे कही, क्या वहां पे या हिंदुस्तान में वो बातें नहीं हो रही है? क्या इन्हीं की एक सांसद ने ये नहीं बोला कि किसान आंदोलन के अंदर तो रेप हो रहे थे, मार करके लाशें लटकाई जा रही थी? क्या इन्होंने जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब इन्हीं कंगना राणावत ने क्या क्या बात नहीं बोली थी? जब प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब गए थे तो उन्होंने नहीं बोला था कि मैं बच के आ गया, तो क्या सिख धर्म के लोग या पंजाबियत वाले लोग क्या उनकी जान के लिए खतरा थे क्या? तो ये डबल रोल वाली जो नीति अपनाती है ना बीजेपी, वो बड़ी आश्चर्यचकित है। और सबसे पहले तो राजपुरोहित जी को इस तस्वीर पर जवाब देना चाहिए कि बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर केक खाने प्रधानमंत्री मोदी क्यों गए थे? जी मैं आता हूँ प्रतीक जी आपके वापस, लेकिन घंटियां आपके बहुत बज रही हैं, उनको जरा थोड़ा सा नियंत्रित करवाइए। आशुतोष रावत साहब, आशुतोष जी आप कैसे देख पा रहे हैं राहुल गांधी की विदेश यात्रा? और ये पहली दफा तो नहीं है जब राहुल गांधी विदेश गए और ऐसा बोला हो, वहां जाते हैं फिर इस तरह से बोलते हैं और उस पर भारत में बवाल मचता है। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए मैं राहुल गांधी जी की पिछली 4-5 साल की जो विदेश यात्रा रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको खास तौर पर चर्चाओं में रखा है और कहा है कि वो देश के छवि को खराब करने वाले बयान भारत की भूमि से बाहर जाकर के देते। निश्चित तौर पर हम सब देशभक्तों के लिए यह चीज शायद गलत हो सकती है कि देश की छवि विदेशों में जाकर के खराब करने से, क्योंकि देखिए आपको राजनीति करनी है, वोट लेने हैं, तो वोट आपको देने के लिए अमेरिका और कनाडा के लोग नहीं आने वाले हैं, आपको हिंदुस्तान की धरती पर राजनीति करनी है। हिंदुस्तान में राहुल गांधी अगर ये तमाम मुद्दे उठाते हैं, जैसे कि चुनाव में भी उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के तमाम मुद्दे उठाए थे, तो यहां उनका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष की पार्टी के मुखिया है, इस नाते उनकी यहां यह स्वाभाविक जिम्मेदारी भी बनती है कि वह सरकार की कमियों को, सरकार की खामियों को जनता के सामने लाए, क्योंकि जनता को फैसला करना है कि दोनों में से क्या अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद विदेश की धरती पर भारत की छवि, और अगर कुछ ऐसे लोगों से मिलने की जो बात आती है, जिस तरह से इलहान उमर को से मिलने की उनकी बात आ रही है, या वे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो गलती से उनकी मुलाकात हो गई, उनकी मुलाकात या निर्धारित कार्यक्रम के तहत नहीं थी,
तो अब यह वास्तविकता भी जानने की जरूरत है कि क्या उनका मुलाकात का कार्यक्रम एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत था या वह मुलाकात एक अचानक हुई है, क्योंकि उस अलहान उमर को भारत की जनता एक बहुत अच्छे परसेप्शन के नजरिए से नहीं देखती है। यह वही है जो पीएके को पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा बताती है। ये इलहान उमर वही है जो पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान के फंडिंग की फंडिंग पर पीओके में जाती है और वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों का में शामिल रहती है। तो क्या ऐसे व्यक्ति से मिलना एक पूर्व नियोजित था या एक अचानक से मिलना हुआ? अगर यह चीज भी के मुझे लगता है कि क्लियर की जानी चाहिए, लेकिन देश से बाहर शायद मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि देश की छवि को धूमिल करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। देश के अंदर इस तरह के तमाम बयानों का हमको एक लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर राकेश गोयल साहब, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को छोटे नेता तो है नहीं, इस देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और जब वो विदेश जाते हैं तो उन्हें अपनी बात को सोच समझ करके बोलना चाहिए, या उनके इस तरह के बयानों से भारत की छवि खराब होती है? देखिए अमन जी, जिन उनके तीनों बयानों का कोई भी भारतवासी समर्थन नहीं कर सकता, पूरे तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण उनके वक्तव्य थे। चाहे उन्होंने सिखों को लेकर और भारत में सिखों की आजादी को लेकर जो बात करी कि सिखों को पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की या कृपाण रखने की आजादी नहीं है, ये बिल्कुल एक सरासर झूठ है कि मेरे सैकड़ों दोस्त है सिख जो पूरे तरीके से स्वतंत्र है अपने धार्मिक चिन्हों को साथ रखने के लिए। उसके अलावा उन्होंने जो आरक्षण पे भी वक्तव्य दिया वो उनके उसी सैन पित्रोदा वाले जो पुराने जो उनका नैरेटिव उनका बन रहा था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो कांग्रेस की एक मंशा है वो जाहिर कर दिया किस तरीके कांग्रेस एक लेवल के बाद आके आरक्षण पे चोट करेगी या खत्म करेगी। और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी उन्होंने जो बोला या स्वतंत्र इलेक्शन के बारे में जो उन्होंने वक्तव्य दिया वो बिल्कुल ही गलत है, जबकि पूरा विश्व भारत के इलेक्शन को निष्पक्ष मानता है और इसका समर्थन करता है। और ये कांग्रेस का देखिए चरित्र है, मैंने बैक बताऊं JKLF चीफ, हमने यासिन मलिक की फोटो भी देखी जो मनमोहन सिंह जी से हाथ मिलाते हैं, प्रधानमंत्री भवन में आके खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, उसके बारे में ये हमेशा अलगाववादियों के साथ देश को तोड़ने वाली ताकतों के खड़े रहते हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने भिंडरावाला जैसे शख्सियत को उठाया और पूरे पंजाब को एक आग के अंदर झोंक दिया और आज दोबारा राहुल गांधी उसी चीज को लेके जा रहे हैं ताकि उनके समर्थन में हमने देखा पन्नों किस तरीके से समर्थन में खड़े हो गए और एहरान उमर जो है जो ISI फंडेड लेते हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जिनका नाता है उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये देश के जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको एक नई ताकत देने का काम कर रहे हैं, उनको इन चीजों से बचना चाहिए, एक जिम्मेदार भारतीय की भूमिका निभानी चाहिए। और जिस तरीके से पत्रकार एक है फजल करके जो भारत विरोधी हमेशा लेख लिखते हैं उनके साथ भी उनकी वहां निकटता देखी गई है जो बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो टोटल ये जो उनका विदेशी दौरा है ये भारत के खिलाफ जाता है और ये कांग्रेस को इसका नतीजा मुझे लगता है आगामी इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा, जो आज वो हरियाणा इलेक्शन को देख के सिखों के बारे में ये वही इलान उमर है जो अमेरिका में भारत विरोधी प्रस्ताव लेकर के आई और इलान उमर पर आरोप भी है अपने सगे भाई से शादी करने का भी लगातार। आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रतीक जी, जल्दी से एक टिप्पणी उसके बाद में मैं जाता हूं राजपुरोहित जी के पास। देखिए मैंने अभी एक फोटो दिखाई थी ना, तो उसका जिक्र राकेश जी ने किया ना आशुतोष जी ने किया, मैं ये कह रहा हूं अगर इलान उमर भारत विरोधी है तो इंडिया ने कभी आपत्ति दर्ज की क्या अमेरिका के सामने कि अमेरिका से वो सांसद क्यों बनी? वो अमेरिका ने उनको सांसद बना रखा है और ये जो बिना बताए नवाज शरीफ के घर केक खाने और बिरयानी खाने नरेंद्र मोदी चले गए थे तो क्या नवाज शरीफ भारत का दोस्त है क्या? पाकिस्तान भारत का दोस्त है क्या? हम तो ये मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, 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 इलान उमर, इलान उमर जब पाकिस्तान के दौरे पर पीओके गई तो भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई थी, क्या बात कर रहे हैं आपने करवाई? इस फोटो के जवाब तो दीजिए, ये क्या है इसका कोई जवाब देने को कांग्रेस बता दो। आपने कहा कि भारत ने आपत्ति दर्ज नहीं करवाई, भारत ने आपत्ति दर्ज करवाई सर, क्यों नहीं दर्ज करवाई? हमने तो यहां पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बोलिए उनको आतंकवादियों को सांसद बना दिया है ना, पूरे देश में विश्व में तो डंका बज रहा है ना, क्या डंका बज रहा बंद हो गया क्या? पूरे देश में एलआईसी के ऊपर खड़े हुए हैं मोदी जी, क्या डंका बज रहा है क्या? पूरे गोयल साहब को आप ऐसा करें बीजेपी का पट्टा पहना दीजिए, ध्यान देती है आपको ये भी बीजेपी के प्रवक्ता और चेतन जी बीजेपी के प्रवक्ता भारत के मंदिर पे यानी भारत ये बताइए इस पे जवाब कौन देने को तैयार करने में भूमिका निभाए तो जवाब आपको कोई गिरा शिकवा नहीं है, अरे उनके साथ खड़े हो जाते हैं गोयल साहब, इस पे जवाब दीजिए, इस पे जवाब दीजिए ना, भागे मत इधर उधर, इस पे जवाब दीजिए, क्या गुरु के साथ खड़े हो जाते हैं उस पे जवाब दीजिए, भारत के राजनेता है कोशिश में करते हैं करते आए हैं,
इस पे तो बोलिए, इस पे बिरयानी का शौक नहीं है, फोटो पे तो मोदी उमर चला है कि बिरयानी खाने चले गए, फोटो पे तो अरे भूखे नंगे पाकिस्तान में क्या बिरयानी खाएंगे, इस फोटो पे ठीक है राजप्रोय जी, आप बताइए ना, आप अफजल गुरु के समर्थक क्या उनके लिए, ठीक है राजप्रोय जी को लाइए, राजप्रोय जी डॉक्टर चेतन राजप्रोय जी, चेतन राजप्रोय जी, कांग्रेस के नेताओं के एक तो आरोप ये है कि आप राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, यहाँ अपने राजनीतिक फायदे के लिए पेश करते हैं, कहा कि राहुल गांधी ने तो ये कहा कि क्या वाकई अब इस बात को लेकर के जो मौजूदा हालात हैं देश के, अब इस बात की लड़ाई है कि सिख कड़ा पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे, वे गुरुद्वारा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उन्होंने आगे की बात की है कि मौजूदा हालात जो हैं ऐसे, ये कांग्रेस नेताओं का अभी तक कहना है। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जब आरक्षण को लेकर के बात की है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब सामाजिक समानता देश में आ जाएगी उस वक्त ही सोचा जा सकता है कि आरक्षण खत्म करेंगे, उससे पहले नहीं। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को आज माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश के दलितों के साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ, महादलितों के साथ। ये कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का धोखा करने का जो काम किया है, विदेश की धरती पर बैठकर जिस प्रकार से आरक्षण की इन्होंने विरोध किया है, दलित समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए नंबर वन। नंबर दो, जिस प्रकार से सिख समाज के बारे में इन्होंने बात की है, ये अपने आप ये दर्शाता है कि इनकी सोच के, और कांग्रेस के मित्र हमारे प्रवक्ता महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं, ना आरक्षण पे दे रहे हैं, ना सिख धर्म पे दे रहे हैं, ना अलग अलग समुदायों की बात की है। राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला है, जिस प्रकार से विदेशी देश विरोधी ताकतों से राहुल गांधी जी मिलते हैं, उसके बारे में कांग्रेस का मित्र एक प्रश्न नहीं बोल रहे हैं, एक अक्षर नहीं बोल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने नेता का बचाव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेता विदेश की धरती पर जाकर के जिस प्रकार से देश का अपमान करने का काम करते हैं, जिस प्रकार से देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये अक्षम्य अपराध है, इसको देश कभी माफ नहीं कर सकता, कोई भी राजनेता क्यों नहीं हो। जिस प्रकार से पंजाब में आज पंजाब को आग में झोंकने का प्रयास, ये बिरयानी खाने क्यों गए थे, ये तो अमेरिका में बैठ करके और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से गुरु पंतवंत सिंह पन्नू समर्थन कर रहा है, ये अपने आप में सूचक है, देश प्रदीप जी सुनिए, राहुल गांधी आरक्षण पे कहते हैं कि भारत फेयर प्लेस बन जाएगा तभी हम आरक्षण खत्म करने का सोचेंगे। एक मिनट सर, हेमंत जी प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री की तुलना ये उनसे कर रहे हैं देश विरोधी लोगों से, राहुल गांधी जी क्यों बयान देते हैं, क्या मजबूरी है देश की धरती पर जाके वो देश विरोधी बयान देते हैं, भारत की धरती पर अपना एलओपी का धर्म क्यों नहीं निभा रहे, लोकसभा के अंदर अपने प्रश्न रखे, देश की जनता की बात करें, राहत देने की बात करें, विकास की बात करें, प्रतीक जी, प्रतीक जी, प्रतीक जी सुनिए, राजगुरु जी सुनिए, मैं जवाब ले लेता हूँ, आपने जो आरोप लगाए प्रतीक, मैं जवाब ले लेता हूँ कभी माफ करने वाली नहीं है, ठीक है पिछड़े, मैं जवाब ले लेता हूँ सर, राजपुरोहित जी मैं जवाब ले लेता हूँ, राजपुरोहित जी मैं जवाब ले लेता हूँ, प्रतीक जी कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर के, अमेरिका की धरती पर जाकर के, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कहना क्या चाहते हैं ये बताइए ना, आपको अगर वो ये कहते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि भारत फेयर प्लेस बन जाएगा तब हम आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, एक सिख के रूप में गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं, लड़ाई इस बात के लिए, इस बात के लिए देश में लड़ाई चल रही है, कौन सा सिख, अब मैं पूरी बात बताऊंगा, हाँ, बोलिए ना, सबसे पहले आरक्षण की बात कर लेते हैं, जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले तो हमने बोला कि सामाजिक और आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही है, फेयर प्ले नहीं है, इसीलिए हम अभी जातिगत जनगणना की बात, फेयर प्ले कैसे बनेगा भारत ये बताइए ना जरा, कोई इसीलिए तो मायावती ने प्रतीक जी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भ्रमाती है, सत्ता के लिए भ्रम पैदा करती है, लोगों को डराती है और ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रही है, उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने लटकाए रखा, नहीं लागू किया, आरक्षण विरोधी है कांग्रेस पार्टी, प्रतीक जी बोलिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण अगर पंचायती राज में दिया था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लेकर के आई थी, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि कैसे फेयर प्ले बनेगा, आप राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब दीजिए, उन्होंने जो विदेश में महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने की बात कर रहा हूँ, मैं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहा हूँ, सिख धर्म का जवाब, मैं उसी पे तो जा रहा हूँ, आगे बढ़ने वर्ग वर्ग को लड़ाने का बयान दिया, हमने बोला है कि जातिगत जनगणना करेंगे, जातिगत जनगणना के बाद में अगर ये होगा संभव,
लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरे वर्ल्ड को राजपुरोहित जी उनको सुन तो ले, वो जवाब दे रहे हैं। राजपुरोहित जी थोड़ी शांति तो रखें। राजपुरोहित जी सुन ले, प्रतीक जी समझाइए क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल संक्षेप में समझाइए, एक मिनट में। संक्षेप में समझा रहा हूँ मैं। हमने ये बोला है कि फेयर प्ले बनाना पड़ेगा इंडिया को, उसके लिए जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना कराने के बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो आरक्षण की जो लिमिट है वो 50% से ऊपर लेकर के जाएंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी का ये आरोप है कि आप जातिगत जनगणना की बात तब करें जब विपक्ष में आ गए। जातिगत जनगणना बीच में लेकर आप 60 साल तक देश में रहे, क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवा करके सबको उसका अधिकार दे देते? सिर्फ गरीबी हटाओ नारे चलाना, कभी इस पे भी बात कर, सिखों को भी डराने की बात कर रहे हैं। हेमंत भाई अब इस पे भी बता देता हूँ। 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी और 2014 के अंदर संसद के अंदर मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने जवाब दिया था कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये संसद में आप कर देते 2014 तक तो आप थे ना सर, तो जनगणना हो ही नहीं थी जब तक, कैसे कर देते? कब हुई सरकार ने किया हुआ जनगणना? जवाब दिया हिमाचल की बात नहीं करते 2014 में। आशुतोष जी से इसका जवाब लेते हैं। आशुतोष जी क्या इत्तेफाक रखते हैं आप जो प्रतीक जी कह रहे हैं? एक मिनट सर। आशुतोष जी देखिए, तकनीकी तौर पर हेमंत जी प्रदीप जी सही कह रहे हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना में जातीय जनगणना के आंकड़े शामिल किए गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस आंकड़ों को जारी नहीं किया गया और उसके पीछे लॉजिक दिया कि उसमें तमाम तरह की तकनीकी खामियां हैं, लगभग जातियों के विभाजन को लेकर उसमें इतनी तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से वो जातीय आंकड़े जारी नहीं किए गए। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें स्टैंड यह था, हालांकि प्रतीक जी अपनी जगह सही है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी के जिस दौरे को लेकर के बात हो रही है हेमंत जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस को जनता की भावनाएं, बहुसंख्यक समाज की भावनाएं, इस देश की आम आवाम की भावनाओं को समझने मेरे तीन सवाल है। अगर आप मेरे तीन सवाल है सीधे सीधे प्रतीक जी, वो पहला ये सवाल ये है कि अगर आप चुनाव की बात करते हैं, राहुल गांधी को भारत के चुनाव जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां के चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष नजर नहीं आते अमेरिका जाकर के, क्यों? राहुल गांधी को यहां पर सिखों को डराने की कोशिश के तौर पर हम इस बयान को देखें कि सिख ये सोच रहे हैं कि हम गुरुद्वारा जा पाएंगे एक नहीं जा पाएंगे, पगड़ी पहन पाएंगे एक नहीं पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, कोई एक सिख का उदाहरण ऐसा दे सकते हैं जो ये सोच रहा हो? और मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि चुनाव फेयर है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चंडीगढ़ में जब चुनाव हुए थे। छोड़िए ना, लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, चंडीगढ़ चुनाव पे क्या जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? लोकसभा चुनाव पर बोल रहे हैं राहुल गांधी। प्रतीक जी चंडीगढ़ में चुनाव नहीं था, मैं कह रहा हूँ लोकसभा चुनाव पर बयान है राहुल गांधी का और वो कह रहे हैं कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं बल्कि बेहद नियंत्रित चुनाव मानता हूँ। हाँ नियंत्रित है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, नहीं बोला क्या बताइए? आप बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं बोला? लोकसभा चुनाव और तो ईडी का दुरुपयोग काहे के लिए कर रहे हैं? चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि सिखों को डराया जा रहा है, ये बात क्यों आई? इनकी एक सांसद लोकसभा की ये कहती है कि किसान आंदोलन के अंदर राहुल गांधी की क्या लोगों को मार के छवि खराब करने के लिए 1984 में क्या हो रहा था? अरे 1984 में क्या हो रहा था? पूरे देश का अपमान कर कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक सिख प्राइम मिनिस्टर का लाया अध्यादेश संसद में फाड़ दिया? कौन वो व्यक्ति थे फाड़ दिया? क्या कह रहा हूँ, क्या कौन थे वो, कौन थे? क्या आज मोदी राज में कोई खड़ा होकर के संसद में मोदी जी का लाया अध्यादेश फाड़ सकता है? हेमंत भाई आप बात कर रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप कितनी मतलब आप बीजेपी की साइड कितना बोलेंगे? मैं बीजेपी कांग्रेस की नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो सवाल मैं ये कह रहा हूं कि ये किसी को डराने की कोशिश है कि नहीं कि सिख सोचते हैं? आपको पता है सिख समुदाय, आपको पता है सिख समाज को सबसे ज्यादा चाहे वो कृपाण रखने की छूट हो हिंदुस्तान में, चाहे वो पगड़ी पहनने की छूट हो, और पगड़ी पहने हुए कोई सिख समाज का भाई मिल जाता है तो उसको हेलमेट पहनने तक की भी छूट है कि आप पगड़ी पहने हुए? सबसे ज्यादा अधिकार गुरुद्वारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा, हमारे सिख भाइयों को खुद राहुल गांधी गुरुद्वारा गए हैं पगड़ी पहन करके, मैंने उनको देखा है। बोल नहीं रहे आप भी जी, बोले कंगना रणौत ने क्या बोला इसको रिपीट कर दीजिए 5 सेकंड में, क्या बोला कंगना रणौत ने? बोले 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 आप बोले जी 5 सेकंड बोले, आप बोल दीजिए क्या बोला उन्होंने, क्या बोला नहीं पता क्या बोला? मैं तो बोल के सुनाया हूँ, 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। आंदोलन के अंदर बलात्कार हो रहे थे, किसान आंदोलन के अंदर लोगों को मार करके लटकाया जा रहा था, और कंगना रणौत एक माननीय सांसद है, तो बीजेपी की जो उनकी प्रति सोच है वो जवाब दीजिए बीच में। राजपुर जी जवाब बोलेंगे नहीं अपने मुंह से, रिपीट तो कह रहे हैं मार करके लटकाया गया, इनकी भाषा देखिए आप,
ये कांग्रेस की भाषा हो सकती है, किसान भाइयों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव उन लोगों ने किया है, 55 साल से किसानों को लूटने का काम किया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं ये तो समझा दीजिए, और ये पहला बयान नहीं है। मैं आपको प्रतीक जी जब पिछली बार राहुल गांधी गए थे तब उन्होंने सीबीआई ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना की थी पाकिस्तान से। मई 2022 का ब्रिटेन का दौरा देख लीजिए, अब भी आप कहेंगे तो इस तरह। नरेंद्र मोदी जी ने चीन में जाके ये बोला था कि 2014 से पहले लोग जो पैदा होते थे उनको शर्म आती थी भारत में पैदा होने पे, तो क्या सही था वो? तो क्या बता दीजिए आप। अच्छा उधर से कोई गलत होगा तो राहुल गांधी भी गलत करेंगे। एक गलती का चलिए छोटी सी टिप्पणी राकेश गोयल साहब, एक लाइन राकेश गोयल साहब, इसके बाद खत्म करेंगे। छोटी सी टिप्पणी प्रतीक जी, आप दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता को दो प्रतीक जी देखिए, मैं प्रतीक जी से ऐसे मत बोल, ऐसे नहीं। कर्नाटक में उन्होंने जातिगत जनगणना की, उसके आंकड़े क्यों छुपाए? दूसरा अपनी अपनी पार्टी का सीट छुपाए राहुल गांधी। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के एक बार से फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के बयान दे रही है, तो बीजेपी लगातार हमलावर है।